दोस्तों, मैं विनीता, क्रिएटिव विनीता चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कस्टर्ड केक की रेसिपी। ये बहुत ही आसानी से घर पे बनकर तैयार हो जाता है, तो चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं। कस्टर्ड केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक टिन को ग्रीस करके तैयार कर लेंगे। उसके लिए केक टिन में मैं डाल रही हूँ जरा सा तेल। इसे अच्छे से हम चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे। आज हम केक टिन में बटर पेपर नहीं लगाएंगे, मैदे से ही डस्ट करके इसे हम बेक करेंगे। हमने चारों तरफ से इसे ग्रीस कर लिया है। केक टिन को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे जरा सा मैदा, लगभग एक चम्मच मैदा यहाँ पे मैंने डाला है, और इसे हम चारों तरफ से इस तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे। इस तरह से रोटेट करते रहेंगे। केक टिन हमारा अच्छे से डस्ट होके तैयार है, और जो ये एक्स्ट्रा मैदा है इसे हम किसी प्लेट या बर्तन में निकाल लेंगे। केक टिन हमारा ग्रीस होकर और डस्ट होकर तैयार है। आज ये केक हम पतीले में बना करके तैयार करेंगे। उसके लिए लिया है मैंने एक बड़ा पतीला, आप चाहो तो कढ़ाई भी ले सकते हो। उसके अंदर हम लगा देंगे कुछ इस तरह का स्टैंड। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कटोरी या प्लेट को भी पलट कर लगा सकते हो। अब इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे, गैस ऑन करेंगे। गैस की आंच को हम मीडियम करेंगे और पतीले को इसके ऊपर हम चढ़ा देंगे। ऊपर से लगा देंगे एक ढक्कन और इसे हम 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे। जब तक पतीला प्रीहीट हो रहा है, हम केक के लिए बैटर बना करके तैयार कर लेंगे। कस्टर्ड केक बनाने के लिए हमने लिया है एक मिक्सिंग बाउल, उसके ऊपर हम लगा देंगे एक छलनी। अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप पाउडर शुगर और इसे हम छान लेंगे। मैंने नॉर्मल चीनी को मिक्सी में चला लिया था, पाउडर शुगर हमने घर पे ही बनाया है। पाउडर शुगर को हमने छान लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा। पहले डाल रही हूँ 1 कप, अब डाल रही हूँ 1/2 कप। इसे हम छान लेंगे। मैदा भी हमारा छन के तैयार है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। मैं यहाँ 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है, इसे भी हम छान लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने छान लिया है। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप रिफाइंड ऑयल। कोई भी फ्लेवरलेस तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मस्टर्ड ऑयल, ये सब प्रकार के तेल हमें नहीं लेने जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल हो। आप चाहो तो बटर का भी उपयोग कर सकते हो। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप दूध। एक साथ हम सारा दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में हम मिक्स करेंगे। अच्छे से एक ही डायरेक्शन में हम मिक्स करते रहेंगे। बैटर हमारा ठीक है, हम इसमें और दूध ऐड करेंगे। अगेन इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बैटर हमारा अभी ठीक है, बचा हुआ दूध भी इसमें हम ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा बनकर तैयार है, एकदम परफेक्ट बैटर हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये ना ज्यादा गाढ़ा है ना ज्यादा ढीला है। इसे बनाने में हमें पूरा 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर।
साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक्टिव करने के लिए मैं डाल रही हूँ लगभग 1 चम्मच दूध। देखिए दूध डालते से ही ये फूल चुका है। अब इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स करना है इसे। अब इस बैटर को हम केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। बैटर हमारा बनकर तैयार है। केक बैटर को अब हम केक टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा बैटर बनकर हमारा तैयार हुआ था, एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का। हमें पूरा नहीं भरना है, 3/4 तक ही भरना है इसे। केक बैटर को हमने केक टिन में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं कुछ डाल रही हूँ टूटी फ्रूटी। ये होममेड टूटी फ्रूटी है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। अब हम केक टिन को 1-2 बार टैप कर लेंगे कुछ इस तरह से, ताकि बैटर में से एयर बबल्स रिलीज हो जाए। पतीला भी हमारा प्रीहीट होके तैयार है। अब हम चलते हैं केक को बेक करने की तरफ। पतीला हमारा प्रीहीट होके तैयार है। अब हम केक टिन को इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। सावधानी से करें, पतीला काफी गर्म है। इसे हम एडजस्ट कर देंगे अच्छे से और ऊपर से हम लगा देंगे ढक्कन। गैस की आंच को हम एकदम स्लो कर देंगे और इसे 40 से 45 मिनट के लिए हम बेक कर लेंगे। एक बार 30 मिनट पे हम केक को चेक कर लेंगे। लगभग 40 मिनट बाद हम केक को चेक कर रहे हैं। मैंने एक बार 30 मिनट में इसे चेक किया था, तब ये बेक नहीं हुआ था। एक स्टिक की सहायता से हम चेक करेंगे। स्टिक हमारी कम्प्लीटली क्लीन आई है, मतलब केक हमारा बेक हो चुका है। साइड से भी हम चेक कर लेंगे। साइड से भी स्टिक क्लीन आई है, मतलब केक हमारा परफेक्टली बेक होकर तैयार है। अब इसे हम कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर में आने के बाद अनमोल्ड करेंगे। केक हमारा कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। एक चाकू की सहायता से इसके एजेस हम छुड़ा लेंगे, ताकि केक हमारा आराम से बाहर निकल आए। अब हम एक प्लेट लेंगे, केक को हम अपसाइड डाउन करेंगे। 1-2 बार हम हाथों से टैप टैप कर देंगे और केक टिन को हम ऊपर उठा लेंगे। देखिए कितना आसानी से हमारा केक बाहर आ चुका है, बिना बटर पेपर के भी, क्योंकि इसको हमने अच्छे से डस्ट किया था। केक भी हमारा काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ है, एकदम जालीदार केक बनकर हमारा तैयार हुआ है। अब इसे हम टर्न कर लेंगे। एकदम परफेक्ट कस्टर्ड केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। मैं केक को आपको कट करके भी बताती हूँ। चाकू केक में आराम से स्लाइड हो रहा है, एकदम सॉफ्ट स्पंजी केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसका टेक्सचर देखिए आप, सॉफ्ट एंड स्पंजी कस्टर्ड केक हमारा सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल बटन को जरूर से प्रेस करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।